नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद तेल कंपनियों ने एक दिन की शांति के बाद गुरुवार को एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 26 पैसे और डीजल के दाम में 32 पैसे की बढ़ोतरी की है। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम बढ़कर 108.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 99.12 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच चुके हैं। इस साल पेट्रोल के दामों में 69वीं बार और डीजल के दामों में 68वीं बार बढ़ोतरी हुई है। नई कीमतें गुरुवार सुबह 6 बजे से लागू हो गई। राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बसपा से शामिल 4 कांग्रेस विधायक दिल्ली दौरे पर गए हैं। बसपा से कांग्रेस में शामिल विधायकों के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन विधायकों का 2 दिन दिल्ली में ही रुकने का कार्यक्रम है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से राजनीतिक मसलों पर चर्चा करेंगे। अन्य दलों के नेताओं से भी मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि विलय के मामले पर भी चर्चा होगी। विधायकों ने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। पड़ोसी राज्य पंजाब में कांग्रेस की कलह और खींचतान का असर अब राजस्थान के सियासी समीकरण पर होता दिख रहा है। पंजाब की कलह ने अब एक बार फिर राजस्थान में सरकार और संगठन में होने वाले बदलावों को कुछ समय के लिए अटका दिया है। अब पंजाब विवाद सुलझने के बाद ही कांग्रेस लीडरशिप राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल और संगठन की नियुक्तियों पर फैसला होने के आसार हैं। राजस्थान में पहले अक्टूबर के 2 सप्ताह में मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना थी, लेकिन अब ये तारीख आगे बढ़ेगी। सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसानों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब हर पंचायत में कृषि कार्यालय खोल रही है, जिससे किसानों को कृषि, पशुपालन, उद्यान की सहित अन्य योजनाओं की अपने गाँव में ही जानकारी मिल सके। किसानों को इसके लिए भटकना नहीं पड़े और योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। किसानों को खेती किसानी की जानकारी समय पर मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने दौसा जिले में 19 नए कृषि पर्यवेक्षक के पदों की प्रदान की है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को भ्रमण कराने वाले गाइड्स की दरों को अब सरकार ने बदल दिया है। अब इन गाइड्स को 3 गुना तक ज्यादा पैसा मिलेगा। पहले ये दरें काफी कम होती थी, मगर अब इन्हें रिवाइज कर दिया गया है। ये सिर्फ विभाग से रजिस्टर्ड गाइड्स पर ही लागू होगा। पर्यटन विभाग ने आदेश जारी कर इनकी रेट्स को 3 गुना तक बढ़ा दिया है। स्थानीय स्तर के गाइड्स की रेट को भी बढ़ा दिया गया है। आमजन को किसी भी तरह का ओटीपी किसी से भी शेयर नहीं करने की हिदायत बैंक और पुलिस बार बार दे रही है। ऑनलाइन ठगी के शिकार होने से बचने के लिए हर तरह से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में नागौर जिले के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 1,37,611 रुपये की ठगी हो गई। ओटीपी शेयर करने के बाद उसके मोबाइल में रुपये निकालने का मैसेज आया तो उसे ठगी की भनक लगी, पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा। अजमेर जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों में एडमिशन की लास्ट डेट आज है। इच्छुक छात्र छात्राएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के SGMS पोर्टल पर ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए संचालन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में भक्तों के अनोखे भेंट चढ़ाने का सिलसिला जारी है। जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक और उनके पार्टनरों ने मिलकर चांदी से बना डंपर भेंट किया है। बिजनेस में मुनाफा होने पर यह भेंट चढ़ाया है। भक्तों ने बताया कि कोरोना में लॉकडाउन के समय बिजनेस में घाटा हुआ, सांवरा सेठ से तब बिजनेस में लाभ की मनोकामना मांगी, लाभ होने पर मन्नत को पूरा किया। धौलपुर जिले में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ राजनीतिक दल के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि तो सक्रिय हो ही गए हैं, वहीं मतदाताओं में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल पर भी अब चुनावी चकल सुनाई देने लगी है। निर्धारित समय से करीब 2.5 साल बाद हो रहे जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदाताओं ने भी नखरे दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार 6,47,171 मतदाता जिला प्रमुख तथा प्रधान बनने की इबारत लिखेंगे। राजस्थान कैडर में तैनात भारतीय वन सेवा के 2009 बैच के अधिकारी बालाजी कारी की सेवाएं सरकार ने 4 वर्ष के लिए केंद्र सरकार को सौंपी है। बालाजी को सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत वन व पर्यावरण मंत्रालय के विजयवाड़ा स्थित
इंटीग्रेटेड रीजनल कार्यालय में सहायक महानिरीक्षक फॉरेस्ट के पद पर नियुक्ति मिली है। बीते ढाई वर्ष की बात करें तो राजस्थान से 10 से ज़्यादा IAS, IPS और IFS दिल्ली की राह पकड़ चुके हैं। 3 से 4 IAS ने दिल्ली जाने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर रखा है। पाली में घर की खुदाई में मिले सोने चांदी के सिक्कों और जेवरात को बेचने का झांसा देते हुए एक व्यापारी से ठगी का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने एक जने को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ जारी है। मुख्य बाजार में चाय पत्ती का काम करने वाले व्यापारी मदन सिंह राठौर के पास एक व्यक्ति आया। उसने खुदाई में मिला 1.5 किलो सोना 1 करोड़ में देने की बात कही। व्यापारी को वो पिछले 15 दिन से बातें कर रुपये लेने की फिराक में था। जब व्यापारी को संदेह हुआ तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सिनेमा जगत में बड़े पर्दे के बाद निःशुल्क मनोरंजन के लिए लोगों की पहली पसंद रहा दूरदर्शन। अब सरकार की अनदेखी से लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। दूरदर्शन रिले केंद्रों के जरिए प्रसारित हो रहे दूरदर्शन के कार्यक्रम अब एंटीना के जरिए नहीं देखे जा सकेंगे। देश के कई राज्यों के जिलों में दूरदर्शन रिले केंद्र से होने वाले नेशनल व प्रादेशिक प्रसारण को केंद्र सरकार की ओर से बंद किया जा रहा है। इसके लिए 3 चरण बनाए गए हैं। प्रथम चरण 31 अक्टूबर और द्वितीय चरण 31 दिसंबर रखा गया है। तीसरा चरण 31 मार्च 2022 तक है। इसमें टोंक दूरदर्शन रिले केंद्र को शामिल किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBD न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।